अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज सिग्नल, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिग्नल, के सिग्नल क्या होते हैं और सिग्नल कितनी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। सिग्नल हमारे पास बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स होती हैं जो डाटा रिप्रेजेंट करती हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। सिग्नल आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू आ कम्युनिकेशन मीडियम आर कम्युनिकेशन चैनल। बेसिकली सिग्नल हमारे पास किस लिए यूज होते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह किसी कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम के थ्रू सेंड करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। पहला हमारे पास होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल आर आ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल हमारे पास एक वोल्टेज की ऐसी सीक्वेंस होती है जो बाइनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। द डिजिटल सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सिस। ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सिस की फॉर्म में होते हैं जो हमें ऑन और ऑफ का बताते हैं। इलेक्ट्रिकल पल्सिस हमें बताते हैं कि अब ऑन है, अब ऑफ है, या अब ऑफ है, अब ऑन है। दीज सिग्नल आर इन द डिस्क्रीट फॉर्म। ये सिग्नल हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। डिजिटल सिग्नल आर फास्टर। ये हमारे पास फास्टर एंड एफिशिएंट, और एफिशिएंट होते हैं, तेजी से हरकत करते हैं। आर डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज इन द डिजिटल फॉर्म। अब सब कंप्यूटर्स में जो डाटा की कम्युनिकेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में होती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन डिजिटल फॉर्म। अब हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन को समझता है। ये हमारे पास डिजिटल फॉर्म है, कंप्यूटर सिर्फ इसे अंडरस्टैंड करता है और इसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ये आपके सामने एक तस्वीर बनी हुई है, इसमें बताया हुआ कि ये देखें, जब आपका ये वाला वेव्स नीचे को गया है तो इसका मतलब क्या है, पल्सिस ऑफ है। अब जब ये ऊपर को आ गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका पल्सिस ऑन हो गया। फिर ये नीचे को वेव्स चला गया है तो इसका मतलब फिर से ये क्या हो गया, ऑफ हो गया है। अब ये ऑफ जा रहा है, यहां तक ऑफ है, फिर यहां से ये ऊपर को चला गया तो इसका मतलब आपका पल्सिस फिर क्या हो गया, ऑन हो गया। इसी तरह ये हमारे पास सिग्नल ट्रेवल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल इज आ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टू द फॉर्म ऑफ वेव। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की कंटिन्यूअस फॉर्म होती है जो वेव की शक्ल में हरकत करती है। वेव हमारे पास जैसे आवाज है ऐसे हरकत ये करती है, इस तरह ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस है। इसमें ये नहीं है कि यहाँ पे कोई गैप आ जाए और इसके बाद फिर शुरू हो जाए। ये क्या है, कंटिन्यूस का मतलब है कि ये एक ही तरतीब से ऐसे हरकत करी जा रही है, ये कहीं रुक नहीं रही। द वेव इज नाउन एज कैरियर वेव। इस वेव को हम क्या कहते हैं, कैरियर वेव भी कहते हैं। टेलीफोन इज मोस्टली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। क्या हमारे पास जो ज्यादातर टेलीफोन की लाइंस हैं वो एनालॉग के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव आल्सो एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। अब लाइट हमें पता है कि जब किसी चीज की रोशनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास एक लाइट लगी हुई है, ये हमारे पास एक लाइट लगी हुई है, और जब ये ट्रेवल करेगी यहां से यहां तक तो ये क्या करेगी, कंटिन्यूस करेगी। ऐसा नहीं है कि इधर कोई गैप आएगा, ये कंटिन्यूस ट्रेवल करेगी और डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाएगी। इसी तरह हमारे पास रेडियो या साउंड है, अब साउंड भी इसी तरह एक जगह से यहां से ट्रेवल करता है और दूसरी तरफ जाता है। किस फॉर्म में जाता है, हमारे पास साउंड इसी फॉर्म में जाता है, इस तरह साउंड हरकत करता है, हमारी आवाज भी इसी तरह हरकत करती है। अब एनालॉग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या होती है, सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। के हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी जो वेव है उस की रिपीट होने, एक टाइम में वो जितनी दफा रिपीट हो रही है उस नंबर ऑफ टाइम्स को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इंटरवल इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। दूसरा हमारे पास होते हैं इंप्लीट्यूड। इंप्लीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नाउन एज इंप्लीट्यूड।
हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है, जो हमारी वेव है ना उसकी जो हाइट है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेव है, यहां से वो ऐसे हरकत कर रही है। अब ये जो इसकी हाइट है ना, यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है, वो कितने टाइम में इसकी हाइट ऊपर जा रही है, कितने टाइम में नीचे आ रही है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।